इंटरनेशनली जर्नल पबमेड इंडेक्स जर्नल अंदर त्रण आर्टिकल अमरा पब्लिश थे। अंदर एक एंडोमेट्रियोसिस एक एवं बीमारी है जेनी अंदर जेम लेडीज ने मसिक बनी बहार आतु एवं मसिक पेट में बनत हो जयरे ए रोग खूब आगे जाए अनरिकग्नाइज रहे तो आतरडा अंदर घुसी जाए तो एना ऑपरेशन में आतरडा एक भाग काफी रिपेर स्विचरिंग कर साधव पड़े। आखू काम अमे दूरबीन थी करे पी अमें अंदर नव नव कई कर अंदर घनी वक्त शू आतरडा एक भाग बहार काढ़ी एनी सिलाई करवी पड़ती थी। एज वस्तु अमे एनविल फिक्सेशन जे एक इंस्ट्रूमेंट आए जेने आखे आखू स्विचरिंग लेप्रोस्कोपी थी अमे डेवलप करी अने एज केसनी स्टडी 22 केसनी रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी आखी ए करीने पेशेंटनो आउटपुट ए कर्यु अने ए जर्नल मां पब्लिश थयु। दिस इज अ प्राउड मुमेंट फॉर इंडिया एंड सेकंड थिंग एनाथी पेशेंट ने लीनियर स्टेपलर ना खर्चा घट्या पेशेंट ने जे चेको आगवामां आवतो हतो ए चेको निकली गयो अने थर्ड पेशेंटनी रिकवरी वधारे सारी रीते थई अने इंटरनेशनल लेवल उपर आखी आ टेक्निक एक्नोलेज थई छे। बस एना मुखना केन्सर नी अंदर घणी वक्त अनरिकग्नाइज रहता होय छे कारण के पेशेंट ने वेक सीम्टम होय छे पण खास करीने पेशेंट ने पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग थाय एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज थाय बेकेक थतु होय बधा वेक कम्प्लेन होय छे पण मेन पेशेंट ने पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग थतु होय अने रेग्युलर चेकअप करे तो पेप्समियर नी अंदर के क्लिनिकल लोकल एक्जामिनेशन में आ रोग पकड़ी जतो होय छे। प्रीएनसी सर्जिकल स्टेजिंग तमे करो ने एना परथी पेशेंट ने ख्याल आवे अरे आखो बायोप्सी नो रिपोर्ट तैयार थाय एना पर खबर पड़े कि पेशेंट ने कीमो के रेडिएशन की जरूर है कि नहीं। हवे तमे ज्यारे पेराओर्टिक लिम्फ नोड ना कर्या होय अने पेल्विक लिम्फ नोड नेगेटिव आए एटले आपणे एवामां रहीए कि पेशेंट ने कीमोथेरापी की जरूर नहीं अने एवा घणा केस छे जेनी अंदर पेल्विक लिम्फ नोड नेगेटिव आयेला होय अने पेराओर्टिक नोड पॉजिटिव आयेला जेनो इंसिडेंस छे 18-20%। એટલે જયારે પેરાઓર્ટિક લિમ્ફ નોડ કમ્પ્લીશન કરવામાં નથી આવતું ત્યારે પેશન્ટનું કામ અધૂરું છે, ઓપરેશન થયેલું છે પણ કામ અધૂરું રહેલું છે અને રોગ ત્યાં પડ્યો હોય અને પેશન્ટને કીમોથેરાપી ના ગયેલી હોય તો પછી એને કોઈ રિઝલ્ટ મળવાની એ નથી રહેતી। ઘણા બધા ફાયદા છે આની અંદર પણ લેપ્રોસ્કોપી થોડું કોસ્ટ ફેક્ટર પડી જતું હોય છે કમ્પેર ટુ ધ ઓપન સર્જરી।